बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व तरबूज खाने के 9 फ़ायदे। अगर हम इसको अंग्रेज़ी में कहें तो टॉप 9 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरबूज खाने के 9 फ़ायदे। अगर हम इसको अंग्रेज़ी में कहें तो टॉप 9 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग वाटरमेलन। तरबूज भी दीगर फलों की तरह अल्लाह ताला की एक नेमत है जो न सिर्फ भूख को मिटाता है बल्कि प्यास भी ख़त्म करता है। तरबूज खाने के 9 बेहतरीन फ़वाद हैं। तरबूज बहुत मज़ेदार और ताज़ा दम रखने वाला फल है जो जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। तरबूज में विटामिन ए और सी के अलावा बहुत से सेहतमंद मरकबात पाए जाते हैं, जबकि इसके 1 कप में 46 कैलोरीज पाई जाती हैं। नंबर 1, पानी की वाफर मकदार। तरबूज में पानी की वाफर मकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। एक तरबूज में तकरीबन 92% पानी मौजूद होता है। नंबर 2, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है जिसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B5 और B6 पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, जो दिन भर एक इंसानी जिस्म को मुतहरक रखता है। इसमें मौजूद पोटाशियम दिन भर की मसरूफियात के बावजूद थकावट के एहसास को दूर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में गर्दिश करने वाले मुजर फ्री रेडिकल से लड़ता है और खुलियात का दिफा करता है। कैंसर से महफूज तरबूज में क्योबीन मादा वाफर मकदार में पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में कैंसर के खतरात को दूर करता है। तरबूज में लेकोपीन की भी ज़्यादा मकदार पाई जाती है जो जिस्म में किसी भी किस्म के कैंसर के खतरे से महफूज रखता है। आर्ज़ा कलब से बचाता है। दुनिया में मौत की बड़ी वजह दिल की बीमारियाँ हैं और तरबूज इंसान को आर्ज़ा कलब की बीमारियों से महफूज रखता है। तरबूज हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में माविन है। तरबूज में अमीनो एसिड पाया जाता है जो खून की शरियानों को खोलता और ब्लड प्रेशर से महफूज रखता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए, इन्फेक्शन बहुत ही से दायमी बीमारियों का सबब बनता है, जबकि इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन की रोकथाम में तरबूज अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद मुख्तलिफ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। तरबूज दिमाग को भी सेहत बख्शता है। तरबूज में मौजूद लाइकोपेन और विटामिन सी एंटी इन्फेक्शन हैं जो इसे रोकने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। नंबर 6, आँखों के लिए मुफीद है। तरबूज में वाफर मकदार में लाइकोपेन पाया जाता है जो आँखों की हिफाजत करता है और सोजश जैसी बीमारियों से बचाता है। बढ़ती उम्र के साथ इंसानी आँखों में पैदा होने वाली बिनाई की कमी को भी दूर करता है और आँखों की बिनाई को मज़ीद बेहतर करता है। पट्ठों के दर्द के से निजात। तरबूज जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये जिस्म में कैल्शियम की मकदार बरकरार रखने में मदद फराहम करता है जो मजबूत हड्डियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पट्ठों की तकालीफ में मुब्तला अफराद को भी तरबूज के इस्तेमाल से आराम मिलता है। तरबूज सेंट्रोलिन पैदा करने का अहम ज़रिया है जो पट्ठों को तकवीत देता है। जल्द और बालों के लिए मुफीद। तरबूज का इस्तेमाल इंसानी जिस्म और बालों को सेहतमंद रखता है। तरबूज में पाया जाने वाला विटामिन ए और सी जिस्म और बालों की सेहत के लिए ज़रूर मुफीद है, जबकि विटामिन सी भी जल्द और बालों के लिए तंदुरुस्ती फराहम करता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी जल्द खुश्क हो सकती है। तरबूज का इस्तेमाल जिस्मानी खुलियात को रतूबत मुहैया करने में मदद देता है जिसके नतीजे में जिस्म की अंदरूनी खुश्की कम होती है। तरबूज में पाया जाने वाला बेटा कैरोटीन मुरक्कब